बड़ी खबर के साथ, और ये खबर मणिपुर से है। मणिपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह की शुरुआत की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्टी के दिग्गज नेता बैठे हुए हैं और मौन सत्याग्रह छेड़ा गया है। मणिपुर में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मणिपुर के हालात बेहतर हो ये मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये तस्वीर आप देख लीजिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। हालांकि कांग्रेस जब जब सवाल बीजेपी से पूछ रही है तो बीजेपी जवाब में कह रही है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल आप देखिए। ये मणिपुर की तस्वीर है जहां पर आरोपी के घर पर महिलाएं लाठी डंडों के साथ पहुंच गई। पहले तो लाठी डंडों से घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि आरोपियों के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा मणिपुर में है, खासतौर से औरतों में। और फिर देखिए कैसे देखते ही देखते घर को फूंक डाला गया। 6 आरोपी अब तक पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन सिर्फ 6 पर आके जंतर मंतर पर अब कांग्रेस कार्यकर्ता बैठकर ये चाहते हैं मौन सत्याग्रह के जरिए कि मणिपुर की घटना पर सरकार संज्ञान ले और मणिपुर के सीएम इस मामले में नैतिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए इस्तीफा दे दें। जबकि बीजेपी पलटवार कर रही है, वो कह रही है कि राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, छत्तीसगढ़ का हाल देखिए, फिर हमसे पूछिएगा। इन सब के बीच में वेस्ट बंगाल की यानी कि पश्चिम बंगाल की भी कई तस्वीरें ऐसी सामने आ गई हैं जो सवाल उठाती हैं। ऐसे में बीजेपी ये भी कह रही है कि क्यों आखिर विपक्ष को सिर्फ मणिपुर की तस्वीरें दिखती हैं, राजस्थान छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल पर आखिर कोई क्यों नहीं सवाल कर रहा, आखिर सभी ने चुप्पी क्यों साधी है। लेकिन इन सब के बीच में मणिपुर की उस वीडियो को जिस जिस ने देखा, भारतीयों के जरिए जब वो वीडियो देखा गया तो खून खौल गया है। और चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, एक सुर में यही कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त और ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे कि आगे लोगों को सबक मिले। दावा यह भी किया जा रहा है, चूंकि मणिपुर में करीब 2.5 से 3 महीने से इसी तरह की हिंसा बवाल की खबरें मिल रही हैं, ऐसा कई और महिलाओं के साथ हुआ होगा ये दावा हो रहा है। स्थानीय लोगों के जरिए बार बार गुहार लगाई जा रही है कि यहाँ माहौल शांत किया जाए, हमें बांटने का काम मत कीजिए। मणिपुर में कब बुझेगी हिंसा की आग ये कोई नहीं जानता। इस आग में जलते सुलगते लोगों की तस्वीरें जरूर सामने आ रही हैं, चाहे महिला हैं या फिर पुरुष हैं, बख्शा कोई नहीं जा रहा और सब इस हंगामे हिंसा की भेंट चढ़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। अजय माकन को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मणिपुर हिंसा को लेकर मौन सत्याग्रह करने का फैसला कांग्रेस का है। अक्षित गुप्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अक्षित, कौन कौन पहुंचा हुआ है इस मौन सत्याग्रह में, कब से शुरुआत हुई है, कब तक रहेगा? जी देखिए, सुबह 10 बजे से सत्याग्रह की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि ये मौन सत्याग्रह है, जो कि कांग्रेस पार्टी वर्कर्स और अन्य जो तमाम नेता हैं बड़े वो लोग ये यहाँ पर जंतर मंतर पर स्टेज कर रहे हैं। और अगर मैं आपको तस्वीरों के थ्रू भी दिखा सकूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टेज लगा हुआ है जहाँ पर उन्होंने सबने ब्लैक रिबन भी पहन रखा है, जो कि एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, जो कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है, जो औरतों को लेकर हिंसा हुई है और जो वीडियो क्लिप भी एक बाहर आई थी उसको लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ और मणिपुर की सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस है वो लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रही है। और हमने पार्लियामेंट में भी हमें देखने को मिला था कैसे जो है रकस जो है क्रिएट करा गया था, ये कहकर कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो मणिपुर पे 2 महीने से क्यों छुपे हैं। तो हम कुछ कांग्रेस नेताओं से भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। सर, आप हमें पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार सर। अभी ये क्या साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? जी सर। तो आप थोड़ा हमें बताइए क्या आप लोग पार्लियामेंट में आप लोगों की क्या डिमांड है और अभी क्या डिमांड है आपकी? इन्होंने जो करना था वो कर दिया जी, है ना, राहुल जी की व्यवस्था खत्म कर दी, जो इन्होंने कर दी है। देश के अंदर चारों तरफ तानाशाही फैला रखी है, ये वो लोग कर रहे हैं। सर, अगर मणिपुर को लेकर मेरी बात तो सुनिए, मणिपुर के अंदर 78 दिन तक मोदी जी को समय नहीं मिला जाने का, जब पूरे देश के अंदर शोर मचने लगा उनके नाम का कि यार नहीं गया, और पूरे देश के अंदर शोर मचने लगा चुनाव सामने, सब उठा करके वो वहां पे गए और उन्होंने अपना संवाद दिया। मोदी जी को इस देश से ज्यादा विदेशों के रिलेशन की चिंता है। मोदी जी का कर्तव्य बनता है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के हालातों को पहले संभालो, उसके बाद आप वहां पे जाकर विदेशों के अंदर काम कीजिए, आपको जो करना है कीजिए, बट यू शुड टेक केयर ऑफ फर्स्ट। एक आखिरी सवाल, उनका ये भी कहना है बीजेपी का लगातार कि जो वॉयलेंस है वो राजस्थान में भी हो रही है, बंगाल में भी हो रही है, तब कांग्रेस कुछ क्यों नहीं बोलती है? मैं आपके प्रश्न को नहीं समझा, और एक बार पूछा। जो वॉयलेंस है जैसे बंगाल में भी तमाम घटनाएं सामने आई, तो उसके लिए जी जी उधर
उसके लिए कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? जी राहुल गांधी जी खुद वहां पे जाकर के, राहुल गांधी जी खुद जा रहे हैं जी, साथ संभाल कर रहे हैं, जहाँ पे नरेंद्र जी मोदी नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ पे राहुल जी जाकर के लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीबों के सामने उनका हाथ पकड़ करके खड़े हो रहे हैं। देखिए हमने शहर, किसी का शहर है कि हमने शहराओं से हासिल की बड़ी आसानी से, तुम समुद्र में रहकर भी ना मिल सके पानी से, ये सियासत के दिए सख्त हाथों में न दो पूरा मुल्क डूब जाता है किसी एक शख्स की नादानी से। और नरेंद्र जी मोदी समझे देश के अंदर नादानियां कर रहे हैं कि देश डूबने का आया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब इसराइल के प्रधानमंत्री ने जब इसराइल की जनता की फिक्र नहीं करी बेंजामिन ने, तो इसराइल की जनता ने उस बेंजामिन को हटा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब जनता की नहीं सुनी तो अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को हटा दिया। और आज नरेंद्र जी मोदी इस देश की जनता की नहीं सुन रहे, इस देश की जनता की पूछ परख नहीं कर रहे, इस देश की जनता के बारे में किसी प्रकार का कोई उनके दिमाग में प्लान नहीं है। तो मैं आपको निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि 2024 के अंदर ये नरेंद्र जी मोदी को देश की जनता हटाने वाली है। जी देखिए बिल्कुल, जैसा कि आपने वर्कर्स वगैरह से भी सुना, जो ये जो प्रोटेस्ट है 2024 के चुनाव को लेकर भी काफी अहम है, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस यही मुद्दा उठा रही है। मणिपुर में जो सिचुएशन है, मंच की तरफ चले जाइए, मंच पर कौन कौन बैठा है और अगर पॉसिबल हो तो बात कीजिए। भी अगर मैं आपको दिखा सकूं, मंच पे जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के अजय माकन जी बैठे हैं, जेपी जी बैठे हैं, और अगर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो तमाम बड़े नेता हैं जो बैठे हुए हैं। पर मैं आपको अगर अभी बता सकूं कि ये साइलेंट प्रोटेस्ट है जिसमें कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ साइलेंट प्रोटेस्ट है उन लोगों के लिए जिन लोगों के साथ मणिपुर में अत्याचार हुआ है। तो काफी सारी वीडियोस जो है सामने आई हैं, तमाम वीडियोस सामने आई हैं जिसमें हमने ये भी देखा था जिसमें दो कुकी वुमेन के साथ जो कि अत्याचार हुआ था, काफी भयानक वो वीडियो थी। और लगातार कांग्रेस यही मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठा रही है, जब तक वो लोग पार्लियामेंट को तब तक नहीं चलने देंगे जब तक मणिपुर का जो इश्यू है उस पर डिस्कशन नहीं होगी। कांग्रेस के झंडे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, आप कह रहे हैं मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं वो मौन सत्याग्रह का हिस्सा है, यानी कि वो कोई बात नहीं करेंगे, नीचे जो कार्यकर्ता है वो मौन सत्याग्रह पर नहीं है, वो बात कर सकते हैं। जरा पूछिए कि सर दिल्ली से लोग आए हैं या फिर क्या देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और कब तक इसे कंटिन्यू रखेंगे? जी मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात करने की। तो सर आप हमें प्लीज अपना नाम बताइए। सर कब तक ये प्रोटेस्ट चालू रखेंगे? सर ये चालू रखेंगे फिलहाल तो 2 बजे का टाइम है जी, लेकिन अगर इसी तरह निगम की सरकार चुप रही तो आगे भी हम प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है जेल भरो आंदोलन भी हम लोग करेंगे, क्योंकि जब भी इस तरह का हादसा हुआ है और जमने भारत पीड़ित अभी तक परेशान है जिनको कुछ भी इंतजार नहीं किया गया, जो उस पर आज भी पड़े हुए हैं और कांग्रेस सरकार ने जहाँ जहाँ कैंप लगाए हैं लोगों को सहायता मिल रही है और मिलती रहेगी, क्योंकि मोदी सरकार की तरह होम डेस्क रखी हुई है कुछ नहीं कह पा रही है, तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो सर आपकी सरकार से अभी क्या है मणिपुर में, अब क्या होना चाहिए, क्या चीफ मिनिस्टर को हटा देना चाहिए जैसा कांग्रेस कह रही है? भ्रष्टाचार हो रहा है और नारी संघर्ष हो रहा है मणिपुर सरकार। जैसा कि आपने सुना इनको की मणिपुर में जो है काफी ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं और कांग्रेस जो है आगे भी प्रदर्शन कर सकती है अगर जो है सरकार की तरफ से एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है मणिपुर में नहीं लिया जाता, तो जैसा कि हम लगातार ये सुनते आ रहे हैं कांग्रेस जो है कर सकती है आगे भी, वो चाहती है कि जो भाजपा मणिपुर सरकार है जो होते हैं उनके साथ अत्याचार ना हो और मणिपुर में 2 महीने से जो वायलेंस चल रही है उसको एक जगह रोका जा सके, क्योंकि वहां पर जो है वैसे ही जो है बहुत लोग भुगत चुके हैं। अब कांग्रेस और तमाम पार्टियों का यही कहना है कि इस वायलेंस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए जिससे और सरकार इस पर एक्शन ले। जी सरकार एक्शन ले, ये मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए हो रही है, मौन सत्याग्रह रख के यानी कि चुप रह के एक संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कांग्रेस के लीडर्स। और इस प्रोटेस्ट को सिर्फ यूं ही नहीं देखिए, 2023 और 2024 के लिहाज से भी कांग्रेस एक बड़ा संदेश देना चाहती है कि हिंसा के खिलाफ है, जहां जहां इस तरह हिंसा बवाल की घटनाएं होंगी उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। लेकिन बीजेपी फिर पलटवार करते हुए कहती है कि राजस्थान छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की घटनाएं आखिर उस पर आंखें क्यों विपक्ष की बंद हो जाती हैं। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है और अब जिस तरीके से कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बड़ी तैयारी भी है। एक तरफ मंच पर मौन सत्याग्रह में कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हुए हैं जिसमें बड़े चेहरे भी हैं, बड़े नाम भी हैं, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो हाथों में झंडे लेकर पोस्टर लेकर और वो सरकार के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं, साथ ही साथ मणिपुर की घटना को लेकर कार्रवाई की मांग भी हो रही है। अक्षित
हालांकि 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन जरा कार्यकर्ताओं से पूछिए जो लोग बात कर रहे हैं कि अब किस तरह के एक्शन की तैयारी यहाँ होनी चाहिए, जो हालात पिछले 2.5 से 3 महीने में आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। जी जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोग जानते हैं 6 आरोपी जो है गिरफ्तार तो हो चुके हैं, पर कांग्रेस का जो लगातार यही कहना है कि सरकार तब भी ढंग से काम नहीं कर रही है। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम क्या है? सर आपके हिसाब से अभी मणिपुर में क्या एक्शन लिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से? कांग्रेस ये प्रदर्शन कब तक चालू रखेगी? ये प्रदर्शन तो आज 2024 में जो इनको यह सबक सिखाना है कि जो तुम्हारे दंगा नीति है इसको कांग्रेस ही आके बंद करेगी। इसी के लिए मेन सत्याग्रह है, गांधी जी के तौर तरीके से ये आंदोलन किया जा रहा है और ये आज 2024 की तैयारी है मोदी को चलने की। जी बिल्कुल, देखा हमने एक और कार्यकर्ता को सुना जिनका कहना है कि वे चाहते हैं कि दोनों मुंह से सरकार बात करे और जो एक शांति प्रस्ताव है वो उनके सामने ला सके, जिससे कि मणिपुर जो है जो कि जल रहा है उसमें शांति बन सके। और उनका ये भी कहना गांधी जी के तौर तरीकों की राह पे चलते हुए हम लोगों ने मौन सत्याग्रह किया है और एक तरीके से ये जो है 2024 की तैयारी भी मानी जा सकती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस का यही कहना है कि जो भाजपा सरकार है जो ढंग से जो है सेंटर में फंक्शन नहीं कर रही है और लगातार उन्होंने पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाया है। हमने अभी देखा था कि उनकी एक इंडिया अलायंस भी बनी है 26 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जिसमें उनका यही लगातार कहना है कि वे लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 2024 में भाजपा सरकार को हटाएंगे। लगातार वो लोग ये कह रहे हैं कि एन बीरेन सिंह जो है अब मणिपुर में जो है सरकार नहीं चला पा रहे हैं, और हमने पीछे कपिल सिब्बल को भी सुना था कहते हुए कि जो जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह उनको मणिपुर से हटा देना चाहिए। तो बड़ा देखना ये होगा कि जब कल पार्लियामेंट सेशन दोबारा से रिज्यूम होता है क्या पार्लियामेंट सेशन में इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो पाएगी, क्या कांग्रेस दोबारा से इसी मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करेगी। मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक बड़े नेता से यहाँ पर बात कर सकूँ कांग्रेस के, आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहेंगे, मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर अभी मैं आगे जैसे जा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। जी तो अभी देखिए यहाँ पर आप लोग काफी ज्यादा जो है काफी ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, कार्यकर्ता वगैरह लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लगातार जो कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेताओं से बात कर सके, जिससे कि हमें हम समझ सके कि उनकी क्या मांग है, वो किस प्रकार इस पर प्रदर्शन को जारी रखेंगे और क्या ऐसे तमाम इशू है जो वो पार्लियामेंट में भी उठा सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं लगातार, मैं अभी यहाँ पर जा रहा हूँ जिससे कि मैं तमाम नेताओं से यहाँ पर बात कर सकूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जमावड़ा लगा हुआ है लोगों का, किस तरह से लोग हैं, तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट मुदित अग्रवाल जी हैं। जी तो मेरे साथ अभी कार्तिक चिदम्बरम जी हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के, तो हम इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। सर व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस प्रोटेस्ट अबाउट एवरीथिंग इन मणिपुर? आर क्लेंसिंग एथनिक क्लेंसिंग इज हैपनिंग इन मणिपुर, द मणिपुर गवर्नमेंट इज कंप्लीटली लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स ऑफ It's rather surprising that the Chief Minister of Manipur, the Home Minister of India, the Prime Minister of India say that they knew only about the casting incident only after the social media post came out 50 days later. We reflect very poorly on their intelligence network. The ABC must be sacked immediately. It is very clearly shows that the BJP government, both the central and state, have absolutely no take on the situation. And it is now fast spiraling down into an ethnic incident. It might spread to other parts as well. Sir, will you continue to raise your demands in the parliament also? We expect the Prime Minister to come to the floor of the House to give a mega categorical statement and to participate in a discussion. But most importantly, we're going to discuss the Manipur government. Yes, thanks a lot, sir, speaking to us. So as you heard, जैसा कि आपने एक बड़े नेता को भी सुना, उनका कार्तिक चिदम्बरम का भी यही कहना है कि जो कांग्रेस में जो चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है उनकी सरकार को आप हटा देना चाहिए, जिससे कि जो मणिपुर में जो है शांति बनी रह सके। और उनका लगातार यही कहना है कि हम अपनी डिमांड जो है पार्लियामेंट में भी उठाते रहेंगे, जिससे कि मणिपुर में जो हिंसा है वो कम हो सके और जो लोगों को जो है तकलीफें जो सहनी पड़ रही है वो उनको ना सहनी पड़े। जी
अक्षित लगातार कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, कांग्रेस ये बड़ा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये इसमें ना कोई शोर शराबा है, ना किसी तरह के नारेबाजी है, बल्कि चुपचाप रहकर मौन सत्याग्रह नाम दिया गया है, जैसे कि नाम से ही मालूम होता है मौन सत्याग्रह नाम दिया गया है। मंच पर बड़े चेहरे बड़े नेता बैठे हुए हैं और मणिपुर की घटना पर अब कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। कार्रवाई यूं तो 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन जिस वीडियो को लेकर देश में गुस्सा है और अब देश के लोग परेशान हैं मणिपुर के हालात पर, उनमें कई ज्यादा लोग हैं, 6 नहीं बल्कि बहुत से लोग हैं, और अब अनगिनत उन लोगों की संख्या जिनके चेहरों को पहचाना जाना चाहिए और उन चेहरों को पहचान कर ही उन सभी की गिरफ्तारी हो, ऐसा देश के लोग चाहते हैं। खुद कांग्रेस भी ये कह रही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इस मामले में। अपडेट आप जान लीजिए, जैसे मैंने कहा मणिपुर हिंसा मामले में 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई, फिर 4, फिर 5 और अब 6 आरोपी तक भी पुलिस पहुंची है, और 6 गिरफ्तारी के बाद इलाके में सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, क्योंकि मणिपुर में हालात अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो विपक्षी लीडर्स हैं वो मणिपुर के मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा तो नहीं हो रहा है, लेकिन मणिपुर के हालात भी सुधरते हुए नहीं दिखे हैं। तो अगर वहाँ इंटरनेट सेवा बैन की गई है, बंद है, उसके बावजूद ये वीडियो एक सामने आया जो कि 4 मई का बताया जा रहा है, जो कि 19 जुलाई को सामने आता है। ऐसे में लोगों का अनुमान यह है, खुद विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं, आम लोग भी मान रहे हैं, मणिपुर के लोगों का भी कहना है कि ये 1 या 2 घटनाएं नहीं, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, ऐसी बहुत सी महिलाओं को शिकार बनाया गया है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के जरिए भी कहा गया, 1 वीडियो सामने आया है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं मणिपुर में हुई हैं जो कि बड़ा शर्मनाक है। मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी के बाद पूरे देश में गुस्सा है। ऐसे में अब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मारीवाल ने भी मणिपुर का रुख किया है। मणिपुर के लिए रवाना होने से पहले स्वाति मारीवाल ने क्या कहा, सुनिए। अगर राजस्थान और बंगाल से इस तरीके के केसेस सामने आएंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री ये बोलेंगे कि 100 केसेस हो रहे हैं और हम उनका कॉग्निजेंस नहीं ले पा रहे हैं, तो बिल्कुल मैं वहाँ पर भी जाऊँगी, और मैं वहाँ पर एज एन एक्टिविस्ट जा रही हूँ, एज अ वुमन जा रही हूँ, एंड आई नो दैट देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व, मैं फिर भी जा रही हूँ क्योंकि हम सब ने वो वीडियोज़ देखी हैं और वो वीडियोज़ दिल को बिल्कुल दहला देने वाली हैं। और उन लड़कियों तक अभी तक मदद पहुंची है या नहीं, और उन जैसी बहुत सारी जो लड़कियां और हैं उन तक मदद पहुंची है या नहीं, इसको जानने के लिए जा रही हूं, सिर्फ मदद करने के लिए जा रही हूं। मणिपुर सरकार को मैं ये आश्वासन दे रही हूं कि मैं, उन्होंने खुद कहा था कि यहाँ पे 100 सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हुए हैं, तो मैं उन सारी सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स से मिलकर उनका हाल जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उनको लीगल एड मिली है, क्या उनको काउंसलिंग मिली है, क्या उनको किसी भी तरह की कोई भी मदद पहुँची है, कॉम्पनसेशन मिला है, वो कहाँ रह रही हैं, क्या वो सेफ हैं या नहीं, क्या उन्हें कोई धमकी मिल रही है, ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहती हूँ और मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहती हूँ, मेरे को पहले बोला गया था कि आप आ जाइए, पर तुरंत एकदम से एक लेटर आया जिसमें ये कहा गया है कि वो मुझे सुझाव देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के मद्देनजर मैं अपनी विजिट पोस्टपोन कर दूं, पर समस्या ये है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है इसीलिए तो यहाँ पे आई हूँ। दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 6 सालों में 1 लाख से ज्यादा केसेस हैंडल करे हैं और हमारे पास 1000 रेप सर्वाइवर्स की मदद करने का एक्सपीरियंस है, तो मैं मणिपुर सरकार से अपील करती हूँ, मैं उनकी मदद करने आई हूँ, मैं यहाँ पे मणिपुरी बहनों की मदद करने आई हूँ और हमें उन तक पहुँचाने का काम मणिपुर सरकार का है जो कि वो करे। एक आरोप लगता है कि क्योंकि ये बीजेपी रूल स्टेट है इसलिए आप आई हैं, तो इसकी आपका क्या कहना है? मैं यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आई, मैं यहाँ सेवा करने आई हूँ, मुझे पता है कि मेरी जान को भी खतरा है, मैं फिर भी यहाँ पे आई हूँ और मैं सिर्फ यही अपील करती हूँ सबसे, स्पेशली प्रधानमंत्री जी से, कि वो तुरंत मणिपुर आए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वो मणिपुर आए, मणिपुर जल रहा है, 3 महीनों से जल रहा है, लोग बहुत सफर कर रहे हैं। अभी जब मैं यहाँ पहुंची हूँ तब भी मेरे को महिलाओं ने घेर लिया है, वो बता रही हैं कि किस तरीके से वॉयलेंस हुई है, बहुत ज्यादा वॉयलेंस हुई है। तो मैं सिर्फ ये अपील कर रही हूँ, मेरे को यहाँ इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि वो नहीं आए, वो आ जाए, जिन लोगों का काम है वो यहाँ आ जाए और अपना काम करने लग जाए, तो मैं वापस चली जाऊँ। गवर्नर एक महिला है तो क्या आपने उनसे भी अप्रोच किया? जी, मैं गवर्नर से भी मिलने की कोशिश करूँ। ठीक है।
स्वाति मारीवाल इम्फाल पहुंच चुकी हैं, यह भी का ताजा अपडेट है। मणिपुर के लिए जब रवाना हुई थी वो तस्वीरें भी सामने आई थी और अब ताजा अपडेट यह है कि इम्फाल के हवाई अड्डे पर लैंड कर गई हैं, यानी कि स्वाति मारीवाल पहुंच चुकी हैं मणिपुर। आगे जो अपडेट होगा वो भी बताएंगे आपको, लेकिन मणिपुर मामले पर विपक्ष के तीखे तेवर को देखकर बीजेपी नेता हरनाथ यादव ने कहा कि विपक्ष सिर्फ इस पर राजनीति करने का काम कर रहा है। किसी भी महिला के ऊपर हुआ अत्याचार दुष्कर्म उतना ही कष्टदायक पीड़ादायक है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। और महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और ऐसी घटनाएं, ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना, और मैं तो कहूँगा पूरे समाज को, सरकार के साथ साथ समाज को भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए। और इस पर एक अच्छी चर्चा हो, सदन में हो, सभी दल उसमें भाग लें, और किसी को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। मेरा विपक्ष एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चर्चा से ना भागिए, आइए सभी राज्यों में जो इस तरह की समस्याएं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस और विपक्षी दल मणिपुर को, मणिपुर में हुई, मणिपुर वास्तव में बहुत दुखद घटना हुई, और उतनी ही दुखद राजस्थान के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर घटनाएं हुई हैं, तो समान दृष्टि से उन सब की निंदा करनी चाहिए और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम क्या नाम है कार्रवाई की के लिए सन्नद्ध होकर खड़ा होना चाहिए। परंतु कांग्रेस और जितना भी विपक्षी दल है, ये मणिपुर तो इनको दिखाई देता है, राजस्थान में तो उन्हीं की पार्टी के मंत्री ने पूरी तरीके से उनके चेहरे को काला कर दिया, कांग्रेस और अशोक गहलोत के चेहरे को, और इसके बाद भी इतनी बेशर्माई से बोलना, यह आश्चर्य में डालने वाली बात है। महिलाओं पर कहीं भी अत्याचार हो रही है, अशिष्टता हो रही है, अभद्रता हो रही है, वो सब निंदनीय है, और वहाँ की राज्य सरकारें उस पर कदम भी उठाएंगे। मगर आप मणिपुर की घटना को ढकने के लिए यदि इन सबको एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अनुराग जी हों या कोई और भाजपा का नेता हो, तो ये उनका कदम निंदनीय है, और वो मणिपुर के अपराध से मुक्त नहीं हो सकते इस तरीके के उदाहरणों को देख करके। जो मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ इस हद तक जुल्म हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना पड़ रहा है, और सिर्फ अमित शाह को खुश करने के लिए, मोदी को खुश करने के लिए एक आदमी इस तरीके के बयान देता है, इसकी मैं निंदा करता हूँ।